आज मैं आइडल के लिए कटघरे में आया हूँ और आइडल के लिए कहीं भी जाने को मैं तैयार हूँ। एक छोटा सा इंटीग्रेशन किया है हमने अदालत में, बहुत ही प्रसिद्ध शो है और सभी लोग सीरियल देखते हैं और इसीलिए हमने एक स्टोरी को यहाँ पर हमने रखा है अदालत में, यहाँ पे एक फैन स्टोरी है और बस वो स्टोरी को ही शूट करने के लिए आया हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत समय के बाद मैं कोई फिक्शन शो पे आया हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल हो गए, कुमकुम को तो ख़त्म होते 4-5 साल हो गए और उसके बाद मैंने कोई फिक्शन काम किया है। एक्चुअली वाज एक्साइटेड अबाउट डूइंग इट, जब मुझे आइडिया बताया गया कि इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन आइडल ऑन अदालत, क्योंकि अदालत ख़त्म होता है और आइडल शुरू होता है, तो वी सेड चलो कुछ अच्छा है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, कुछ अच्छा था, नया था, काफ़ी समय के बाद कुछ कर रहा था। एंड ऑब्वियसली रौनित के साथ काम करने का मौका भी मिला, इससे पहले हम ऐसे ही टकराते रहे, कभी काम करने का मौका नहीं मिला साथ में, तो प्रीटी हैप्पी डूइंग इट। दोस्त ये तो ऐसा है कि हर एक्टर बस एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता है और लकीली मैं तो उसका ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। शुरुआत हुई एड्स से, शुरुआत हुई तो थोड़ी बहुत एड्स कर ली, फिर फिक्शन शोज़ किए, डांस रियलिटी किया, होस्टिंग की, खतरों के खिलाड़ी कर लिया, आइडल सालों में इतनी बार किया और फिक्शन शोज़ किए तो ये, और थिएटर किया, उसके बाद जंगूरा किया, तो लकीली बहुत ही अच्छा मिक्स रहा। एंड फॉर एन एक्टर आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ग्रो करने का मौका मिलता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है और काफ़ी लोगों ने कुछ विश्वास भी जताया मुझ में और दिखाया कि हाँ नहीं हम समझते हैं कि आप कर सकते हो। तो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु बिलीव्ड इन मी एंड थैंक यू, बिग बिग थैंक्स टू द ऑलमाइटी फॉर हेल्पिंग मी आउट। आप आइडल की बात करें, अदालत की, अगर अदालत की बात करूँ, शो बहुत बार देखने नहीं मिलता, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, बहुत प्रसिद्ध है और केडी का जो किरदार है जो रौनित निभाते हैं, पहली बार आज उन्हें यहाँ पर देखा करते हुए एंड अब पता चला कि लोग इतना चाहते क्यों हैं, यू नो जो उनकी अदाकारी है इसमें, जिस तरह से वो करते हैं काम और उनका जो रवैया है पूरा काम करने का वही बहुत कमाल का है एंड कैरेक्टर में इतने ढल चुके हैं आई थिंक इतने सालों से जो करते आए तो अब तो मतलब वो एकदम ही इज़ जस्ट लाइक अ प्रो और एक्चुअली मतलब वो मेरे हिसाब से अभी तो उनको वकालत पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो अगर उनको आप ऐसे ही कटघरे में रख दो कहीं भी जाके केस अपने आप लड़ लेंगे और शायद जीत भी जाएंगे। सर अदालत में कोई भी केस चलता, हाँ जी क्या बोल रहे थे आप, अदालत में कोई भी केस चलता, कोई कटघरे में सर केस काफ़ी समय तक चलता, तो क्या आपका भी केस काफ़ी समय तक चलेगा? जी नहीं, ये अदालत एक ऐसा कटघरा है जहाँ वहीं पर वहीं सुनवाई हो जाती है, या काश हमारे भी कोर्ट में ऐसा ही होता कि यू नो जल्दी से आए केस और वहीं पर सारे के सारे हमारे जो लॉयर्स है वो केडी की तरह हो जो एकदम फट से केस को सॉल्व करें और जितने उलझे हुए होते हैं केसेस उनको सुलझा देते हैं और अच्छी तरह से सुलझाते हैं। बस उम्मीद करता है यार कभी हमारी भी अदालत कुछ ऐसी हो जहाँ पर ना वो जो तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख नहीं होती है, यू नो अगर ना हो तो अच्छा है, जैसे कि अदालत में बिल्कुल नहीं होता। अभी आइडल जूनियर है चालू एंड ऑडिशंस ख़त्म करके आए हैं और बच्चे कमाल के हैं। मैंने हमेशा सुना था, मैंने लास्ट ईयर सीज़न नहीं किया था आइडल जूनियर का, लेकिन सुनता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा कमाल है और कुछ अद्भुत किस्म के हैं और मुझे ऐसे पहले विश्वास नहीं होता, मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, मतलब डेफिनेटली दे आर ग्रेट सिंगर्स बट नाउ व्हेन आई एक्चुअली वेंट थ्रू द ऑडिशन राउंड एंड आई हर्ड ऑल द किड्स आई थिंक दे आर आउटस्टैंडिंग। 10 साल के बच्चे हैं और उनसे आप पूछो कि आप कितने साल से सीख रहे हो, 6 साल से सीख रहे हैं, मतलब 3 साल की उम्र से इन्होंने एक्चुअली शुरुआत की है सीखने की, सो एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड डेडिकेशन डिटर्मिनेशन परसिवियरेंस एक अलग लेवल पे ही, उनका फोकस ही कुछ और है और कभी कभी तो डर लगता है, मतलब वो कभी कभी आपको बहुत बुरा फील कराते हैं क्योंकि जब आप उन्हें देखते हो आप लगता है यार 10 साल का बच्चा इतना फोकस है तो मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या उखड़ा है, यू नो वो बहुत गंदी सी फीलिंग आती है कई बार जब आप उनको देखते हो। बट एज़ फार एज जितने भी म्यूज़िक लवर्स है और जो सिंगिंग रियलिटी शोज जिन्हें बहुत पसंद है, आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू दैट यू गोना हैव अ ग्रेट टाइम विद द किड्स। क्या आपको भी गाने का शौक है? मैडम गाने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गाने के लिए नहीं बने होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ, तो मैंने बच्चों के साथ भी एक ऐसा कुछ ट्राई किया था जहाँ मैंने उनसे कहा कि कुछ बच्चे हैं जो साउथ से हैं जिन्हें हिंदी अच्छी नहीं आती,
तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा, तुम मुझे गाना सिखाना। तो मैंने कुछ तो गाया उनके लिए वहाँ पर, कुछ तो उन्होंने बोला कि चलो गुनगुना के दिखाओ, तो मैंने कुछ तो गुनगुनाया। उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी, डील कैंसिल, आपको नहीं सिखा सकते, आपको शायद हम तो क्या कोई कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो वो भी हार मान गए। नहीं, उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से कुछ कहा था गाने के लिए, मैंने कुछ उन्होंने कुछ वो अपना आलाप छेड़ते, आलाप तो ऐसे भी कोई नहीं कर सकता, मैं कर भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने तो शुरुआत ही की थी, मतलब ऐसे कुछ किया ही था, उन्होंने रोक दो, यहीं पर रोक दो, नहीं होगा आपसे, रहने दो। तो पहले हार मान ली, बच्चे भी हार मान चुके हैं, बताओ क्या करें। हाँ, अगर बचपन ऐसा हो तो डेफिनेटली दोबारा आना चाहिए। हमारा भी अच्छा था, हम खेलते कूदते थे, लेकिन इतना फोकस कभी नहीं था जो इन बच्चों को, जितना आप देखते हैं जो फोकस है इन बच्चों का। और मतलब 10 साल की उम्र में तो मैं शायद ढंग से बोल भी नहीं पाता था, ये तो बहुत सुरीला गाना गाते हैं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर मैं इन ये लॉट के साथ होता तो शायद मैं रेस में सबसे पीछे होता, मतलब इनके साथ कम्पीट करना इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज दीज गाइज आर सो गुड। और अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, और ये भी नहीं, मेहनती बहुत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी है, और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मतलब स्टेज पे खड़े रह के दिग्गजों के सामने गाना, इंसान जब बड़ा भी हो जाता है, आज भी जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं हमारे हाथ कांपते हैं, लेकिन उन बच्चों को देखकर ऐसा उन किस बात का डर है ही नहीं, किसी से डर नहीं लगता, फियरलेस। एंड आई थिंक एक एटीट्यूड है जो उनसे सीखने मिला है मुझे व्हेनेवर आई लुक एट देम। बहुत बहुत शुक्रिया।